और चलिए अब आपको एक बार फिर से बेलारी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेज पर मौजूद, संबोधन कर दे रहे हैं अपना, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान होता है, पर देश का निर्माण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी सोच चाहिए। जो आजादी मिलते ही किस प्रकार से उन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया देश के अंदर, बड़े बड़े बांध बनाए किसानों के लिए, बिजली उत्पादन करी, कारखाने लगाए, संस्थाएं बनाई, IIT, IIM, IIIT, अब बनी है जाकर के। पर जिस प्रकार उन्होंने शुरुआत करी थी संस्थाओं की, आज उस पर देश खड़ा है, आत्मनिर्भर बना है। जिस प्रकार से ये लोग जो ताना बाना बुन रहे हैं, आज पूरे मुल्क में माहौल बना है तनाव का, हिंसा का, सांप्रदायिकता का, वो देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एफोर्ड नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि जो राहुल गांधी का संदेश है, आपस में भाईचारा हो, सभी जातियों में, सभी वर्गों में, सभी धर्मों के अंदर प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, सद्भावना का माहौल बने, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो, ये माहौल बनाने की आज आवश्यकता है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं और काला चल पड़ा है। आप सोचिएगा, एक हजार किलोमीटर 3500 किलोमीटर में से पूरा कर लिया है, जिस जज्बे के साथ में, हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में है, पर जब तक कमिटमेंट नहीं हो देश के साथ में है। आप सोचिएगा, एक हजार किलोमीटर 3500 किलोमीटर में से पूरा कर लिया है, जिस जज्बे के साथ में, हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में है, पर जब तक कमिटमेंट नहीं हो देश के साथ में, देशवासियों के साथ में, तब तक ये संभव नहीं होता है। राहुल गांधी का कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों के साथ में है, किसानों के साथ में है, मजदूरों के साथ में है, इसलिए जाकर के संभव हुआ है। इतनी लंबी संघर्षमय यात्रा, बहुत टफ यात्रा है ये, जो साधु संत द्वारा करते हैं, यात्राएं करते हैं, वो भी विश्राम लेते रास्ते के अंदर। पर जिस प्रकार की यात्रा शुरू की गई है, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना, मैं समझता हूँ आज तक ऐसी यात्रा कोई हुई नहीं होगी। इस प्रकार के माहौल में राहुल गांधी जी चिंता कर रहे हैं देश की, देश बचाने की, देश को एक व अखंड रखने के लिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए इस उपमहाद्वीप की शांति स्थापित करते करते। आज राहुल गांधी चाहते हैं कि देश एक रहे, अखंड रहे, अपने भाईचारा बने, इसलिए बहुत बड़ा संदेश लेके यात्रा शुरू हुई है। मैं आपको कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो, इतिहास बनाए आप कर्नाटक वालों ने भी। चिकमंगलूर में इंदिरा जी चुनाव लड़ी थी, हम भी आए थे यहाँ पर बचपन में कार्यकर्ता के रूप में। बेलारी में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, वो भी इतिहास बना था। तो कर्नाटक ने हमेशा करवट ली है राजनीति के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा भी शुभ होगी। आने वाले वक्त में कर्नाटक में सरकार बनेगी कांग्रेस की, राहुल गांधी को संदेश को आप घर घर पहुँचाएंगे, और बदलाव पूरे मुल्क में होगा। उनकी शुरुआत भी, चाहे वो चेन्नई हो, केरला हो, कर्नाटक हो, अन्य राज्य भी आएंगे रास्ते के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि राहुल जी के संदेश को आम लोग, हर वर्ग के लोग आत्मसात कर रहे हैं, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आदरणीय गहलोत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एक नारा फिर लगा दीजिए, जोड़ो जोड़ो।